नमस्कार, मैं कंचन, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। एक तरफा प्यार में युवक ने छात्रा पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई, हालत गंभीर। झारखंड के दुमका शहर के जरवाड़ी मोहल्ले में एक युवक ने एक तरफा प्यार में 17 वर्षीय किशोरी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। पीड़िता को बेहद गंभीर हालत में दुमका स्थित मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वारदात मंगलवार सुबह 5 बजे की। आरोपी युवक शाहरुख हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता के पिता संजय सिंह का कहना है कि उनके ही मोहल्ले में रहने वाला शाहरुख पिछले कई दिनों से स्कूल में 12वीं में कक्षा में पढ़ने वाली उनकी बेटी अंकिता को परेशान कर रहा था। वह उस पर जबरन प्यार और शादी करने के लिए दबाव डाल रहा था। अंकिता ने इनकार करते हुए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही तो उसने जान से मारने की धमकी दी। शाहरुख ने कहीं से उसका नंबर हासिल कर लिया। बीते रविवार को उसने मोबाइल पर धमकी दी कि अगर अंकिता ने उससे बात नहीं मानी तो वह उसे जान से मार देगा। बताया गया कि मंगलवार को सुबह 5 बजे जब घर के सभी लोग सो रहे थे तभी सिर्फ युवक ने कमरे में अकेले सो रही किशोरी पर खिड़की के जरिए पेट्रोल छिड़का और उसके बाद माचिस से आग लगा दी। जलते ही अंकिता ने शोर मचाया तो घर के लोग जागे। तत्काल पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में SDPO मुस्तफा अंसारी और मजिस्ट्रेट चरणजीत सिंह ने किशोरी का बयान दर्ज किया है। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। एक तरफा प्यार में युवक ने छात्रा पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई, हालत गंभीर। झारखंड के दुमका शहर के जरवाड़ी मोहल्ले में एक युवक ने एक तरफा प्यार में 17 वर्षीय किशोरी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। पीड़िता को बेहद गंभीर हालत में दुमका स्थित मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वारदात मंगलवार सुबह 5 बजे की है। आरोपी युवक शाहरुख हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता के पिता संजय सिंह का कहना है कि उसके ही मोहल्ले में रहने वाला शाहरुख पिछले कई दिनों से स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली उनकी बेटी अंकिता को परेशान कर रहा था। वह उस पर जबरन प्यार और शादी करने के लिए दबाव डाल रहा था। अंकिता ने इनकार करते हुए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही तो उसने जान से मारने की धमकी दी। शाहरुख ने कहीं से उसका नंबर हासिल कर लिया। बीते रविवार को उसने मोबाइल पर धमकी दी कि अगर अंकिता ने उसकी बात नहीं मानी तो वह उसे जान से मार देगा। बताया गया कि मंगलवार की सुबह 5 बजे जब घर के सभी लोग सो रहे थे तभी सिरफिरे युवक ने कमरे में अकेली सो रही किशोरी पर खिड़की के जरिए पेट्रोल छिड़का और उसके बाद माचिस से आग लगा दी। जलती हुई अंकिता ने शोर मचाया तो घर के लोग जागे। तत्काल पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में SDPO मुस्तफा अंसारी और मजिस्ट्रेट चरणजीत सिंह ने किशोरी का बयान दर्ज किया है। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV एप्स डाउनलोड करें। इंस्टाग्राम, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों को ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश दुनिया की तमाम खबरें। बने रही MNS न्यूज TV पर। नमस्कार।